इना सांसद चंद्रशेखर आजाद हरिद्वार दौरे पर रहे। चंद्रशेखर शांतर शाह गांव में गैंग रेप और मर्डर पीड़िता किशोरी के परिवार से मुलाकात की। सांसद ने परिवार को सांत्वना देते हुए न्याय दिलाने के लिए मदद का आश्वासन दिया है। साथ ही चंद्रशेखर ने धामी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। चंद्रशेखर बोले, देवभूमि में इस तरह की घटना, यहाँ की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। परिवार का दुख बांटने के लिए मुख्यमंत्री को यहाँ आना चाहिए था, लेकिन मुख्यमंत्री अभी तक परिवार से नहीं मिले हैं। चंद्रशेखर ने परिवार को न्याय न मिलने पर हरिद्वार डीएम ऑफिस पर आंदोलन की चेतावनी दी है। इस तरह से वो जो है इनको प्रलोभन और न्याय को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। ये सब अगर उत्तराखंड पुलिस की नाक के नीचे हो रहा है तो ये बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है, कहीं ना कहीं संरक्षण सत्ता का अपराधियों को है। मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ, मैं यहाँ के सीनियर अधिकारियों से मांग करता हूँ कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। और मुझे आशा थी कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अभी यहाँ मंगलौर में चुनाव था, यहाँ आए थे, मुझे आशा थी कि वो यहाँ आके इस परिवार का दुख बांटेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा, जाति कभी नहीं जाती, क्योंकि ये बच्ची दलित समाज की है, शायद उनको इनके परिवार के पास आने का समय नहीं मिला। चुनाव में उनके लोग बहुत घूमे वोट मांगने के लिए, यही सच है। और इसे हमारे लोगों को भी समझना चाहिए कि इस घटना को हम प्रथम और आखिरी घटना समझ के इस पर मजबूत लड़ाई लड़ेंगे। और आने वाले 3-4 दिन के बाद ही अगर कार्रवाई नहीं हुई तो एक बहुत बड़ा आंदोलन जिलाधिकारी कार्यालय पर होगा। उसके लिए हम लोग अपनी भूमिका अपने लीडरशिप से बात करके बना रहे हैं। खबर अलीगढ़ से।